जाएगा तो क्या सर था यार। चल एक एक मोबाइल का। अरे भैया की बेल करवाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता है। हमारे घर को तुम्हारे इस आखिरी निशानी के पेपर रिलीज करवा दूंगा। ये हमारा घर, मेरा और हमारी तीनों बेटियों का हमेशा बस इतना बस और हमेशा रहेगा। हाँ जितना बिल्कुल भाई साहब हेलो। हाँ चलिए रेडी एक्शन। क्या हाँ चलो एक्शन। अच्छा एक सेकंड सर, कैमरा थोड़ा इधर लेना। रेडी बोलो। एक्शन इधर हिलो मजा। क्या रोल है? नहीं नहीं लाओ पानी मार के मस्ती कर देते बैठे इनको, सपाट हो जाएंगे बिल्कुल। कितनी सिलवटें हैं इसमें, कब से लगे हो आप? अखबार बंद कर। अब देखो बस फालतू बातें करते रहते हैं। एक घंटे से देख रहे हो आपको, उलझे पड़ो पेपरों में। कंटिन्यू एक्शन। अखबार बंद कर। जब देखो बस फालतू बातें करते रहते हैं। अरे एक घंटे से हम देख रहे हैं, उलझे पड़ो पेपरों में। बकवास हम कर रहे हैं, उल्लू भी हमें और बकवास भी हम ही कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा टकराना चाहिए, चलो टेक करते हैं। उल्लू भी हम ही और बकवास भी हम ही कर रहे हैं ना। मेरे कामों में चादर आने के अलावा और भी काम है। एक मिनट भाई, रूट लाइन।
भैया एक घंटे से हम देख रहे हैं आपको पेपर में उलझे पड़े हो, सपाट करे जा रहे हो फोन ही में, और उल्लू भी हम ही और बकवास भी हम ही कर रहे हैं ना। सॉरी सर, ये फर्स्ट लाइन थी इसकी। रोलिंग एक्ट पासिंग एक्शन पासिंग। अच्छा एक घंटे से आप ही उलझे पड़ो पेपरों में सपाट करने के चक्कर में, और उल्लू भी है ना बकवास भी हम ही कर रहे हैं ना। मुझे मेरे कामों में टांग लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चल जा। हाँ जा रहे भैया, साइड दो। काम कर रहे हैं भैया। सही है सर, वही ले लीजिए कैमरा। ये सर रोल, पासिंग अच्छी नहीं हो रही है मिलिन। रोल थोड़ा आगे रखा। हाँ सर। रोल क्या रोलिंग एंड एंटर करना। एक टर्म कर दे। थोड़ा भाग हो रहे, भाग दौड़ करो। एंटर करना अच्छे नतिया से। अरे हाथ से नहीं मुंह से बोलो क्या चाहिए। ये चाहिए न्यूज़पेपर। आराम से प्यार से बात करो। हाँ रोलिंग एंड पासिंग एंड एक्शन। मुंह से बोलो क्या चाहिए। ये चाहिए न्यूज़पेपर। तो आप हैं? वो मैं लगा कि कोई कस्टमर है, मतलब वो आज आप हमें आते हुए नहीं दिखे ना। दोस्त को हमेशा सॉरी सब एक्शन। हमेशा तो आपको पता चल जाता है जब मैं आती हूँ। वो नहीं मेरा मतलब वो क्या है ना, वो बस ऐसी दिख जाती है वो जब आप आती हैं तो देख लेते हैं आप, मतलब दिख जाती है। हमने कुछ कहा तो हमें झड़क के गुस्से में डांट दिया था, अब सुन लो। अच्छा जा रहे हैं आप, जान लोगे क्या? अच्छा मुझे बताओ क्या रजिता। क्यों पासिंग एक्शन। वाओ अमीर, ये तो जॉब तुम्हें चाहिए था ना, और वैसे भी तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड की कहां जरूरत है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड। नहीं नहीं हमें आपका बेस्ट ऑफ लक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी की भी शुभकामनाओं से ज्यादा सबसे ज्यादा लकी आप ही का होगा। वो मतलब ये हो गया रचिता तुम्हारी लाइन। आई होप थैंक्स, पर घर पर कुछ मीठा है ले जाना पड़ेगा, मैं एक मिनट आता हूँ। रेडी एक्शन। ये खाएगी। अच्छा ये लीजिए बनारस के एकदम फेमस फ्रेश गोल्ड, इससे अच्छा मूव करने का तरीका कुछ है। पासे थोड़ा छोटा पीस नहीं उठा सकते? तोड़ के ले लो ना रसी। सारे नहीं ये
आप ये मत सोचिए कि ये हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं तो आप नहीं लेके जा सकते। वो क्या है ना कि हम एक बिजनेस करने का नया तरीका है, हम आपको थोड़ा सा ये गुड़ लेके ट्राई करने के लिए तो आप अपने घर में सबको खिला सकते हैं और जब पसंद आएगा तो आप हमारे यहाँ और ले रहेंगे। ये हमारी सीक्रेट ट्रिक है तो ये आप ले जा सकते हैं। पूछ तो लो, न्यूज़पेपर ले जाओ। हाँ, बोलेंगे एक्शन, एक्शन। बोला स्टेप ले जाओ। बिल्कुल, आप ही रो सर क्या है, पेपर पढ़ते जा रहे हैं काफी समय, क्या आप पेपर में कौन सा न्यूज़ पढ़ रहे, इतना टाइम लग रहा है? पेपर में न्यूज़ नहीं, असल में क्या है कि जो रामेश्वर गुप्ता है, जो मैं हूँ, वो उनको ओसीडी की प्रॉब्लम है जैसा आप सब जानते हैं। तो ओसीडी की प्रॉब्लम में उसको क्या है कि उसको हर एक चीज़ परफेक्शन चाहिए। अब उसमें जो पेपर में जब कोना है वो हल्का से मुड़ा या वो है तो उसको उसको उलझन होने लगती है। तो जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कई जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे अगर पानी गिरा हुआ है तो आदमी उसको साफ़ कर देता है, तो वही है इसकी ये कुछ हद ज़्यादा चीज़ हो गई है। तो वो पेपर को भी एकदम स्त्री की तरह उसको साफ़ कर रहा है, तो ये ओसीडी प्रॉब्लम में आता है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा पेपर को एकदम आराम से साफ करता जा रहा है। अच्छा, आज की सीन की बात करें तो क्या सीन चल रहा है, मुँह मीठा कराया जा रहा है, क्या चल रहा है उसके? सीन ये चल रहा है कि रामेश्वर जो है, जो वो करना चाहता है लाइफ में, उसका नेक्स्ट जो स्टेप है, वो जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो इंटरव्यू है, वो देने जाने की तैयारी कर रहा है। उस वजह से वो बहुत नर्वस है, और उस टाइम उनको जो सबसे ज़्यादा जिनको पसंद करते हैं वो उनके शॉप पे आते हैं, और वो बताती हैं कि कैसे उनके जो बहन है उसके एडमिशन की बात चल रही है। तो इसी वजह से वो उनका कहता है कि भैया आप तकलीफ़ क्यों कर रही हो, हम आपका मुंह मीठा करते हैं और आप जाइए घर एकदम खुश होके, और हम बस आप इस मुंह मीठे के साथ बस कॉन्फिडेंटली जाओ और आपका काम और हमारा काम दोनों का काम हो जाएगा। जो आपने मुँह मिठाया कराया, जो गुड़ खिलाया, क्या ओरिजिनल बनारस का था कि सिर्फ नाम का? देखिए वो गुड़ कहाँ से आया, मुझे तो सेटिंग वालों ने दिया, प्रॉपर्टी वालों ने, तो मैंने उसको खिला दिया जो मेरी लाइन थी। अब वो बनारस का था, भोपाल का था या मुंबई का था, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, आगे क्या ट्विस्ट आएगा शो में? शो में काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रामेश्वर का ड्रीम सीक्वेंस और रोमांटिक सीक्वेंस जो है वो चालू होने वाला है। तो आप लोग रामेश्वर का बहुत जल्दी रोमांटिक साइड देखने वाले हैं कि एक इंसान जो ओसीडी प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है, सिर्फ एक दो चीज़ों में नहीं, हर जगह उसको ओसीडी की प्रॉब्लम्स है। तो प्यार में उसको क्या ओसीडी दिखेंगी या प्यार में ओसीडी सारी चीज़ वो नेगलेक्ट कर देगा, तो ये सारी काफ़ी चीज़ें देखने की इंटरेस्टेड चीज़ें हैं। तो देखते हैं कैसा होता है रामेश्वर का लव ट्रैक, और क्या पता रचिता उनको पसंद करे या नहीं करे। सर जिस तरह से मुंबई में गर्मी पड़ रही है, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे तो सलाह देंगे मुंबई में गर्मी से बचने के लिए? मुंबई में गर्मी ही तो एक ऐसी चीज़ है जो मुंबई की कहीं जा नहीं सकती, एक गर्मी और एक बारिश। तो गर्मी से बचने का यही एक तरीका है कि मुंबई में एसी वाली चीज़ें बहुत जल्दी हैं, एसी की कार हो, एसी का घर हो और एसी वाला फ्रिज हो, तो जितना इन सब चीज़ों में रहेंगे उतना ही बच पाएंगे। वैसे गर्मी का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे कैमरामैन जो है वो भी पसीना पोंछ रहे हैं, वैसे हम पोंछ नहीं सकते क्योंकि मेरे मेकअप लगा हुआ है। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों से मेरी यही एक इल्तिजा है कि इससे पहले जो मेरा पहला शो था उसमें बहुत प्यार दिया उन्होंने, और काफ़ी ऐसी ऊंचाइयां थी जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि मुझे पहले शो में मिल जाएगा, तो काफ़ी सारा प्यार उन्होंने मुझे दिया और एक बहुत अच्छे मुकाम में लगे भी खड़े गए। और वैसे ही मुझे ये प्यार इस शो में भी धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ट्रैक जो था वो एज़ पर द शो वो धीरे धीरे ग्रो करना था ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है और लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं अब और मेरे कैरेक्टर से भी। तो बस मैं यही चाहूँगा जितना शो को आप प्यार दे रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, उतना देते जाएं और ज़्यादा प्यार दें, और सबको कहें और अपने घर वालों से और सबसे बोलें कि इस शो को प्यार दें और सब साथ में बैठ के देखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या सीन चल रहा है, पेपर लेके जा रहे हैं, क्या कारण है पेपर ले जाने का, उसके बारे में बताएंगे? पेपर मैं इसलिए ले जाती हूँ रामाश्रय के शॉप से बिकॉज़ मैं जॉब ढूंढ रही हूँ बनारस में, तो उसमें एड्स आती हैं और रामाश्रय मेरी हेल्प कर रहे हैं जॉब ढूंढने में, तो मैं रोज़ आती हूँ
पेपर उनसे ले जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कौन कौन सी जॉब है, फिर अकॉर्डिंगली मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। अच्छा, मुंह मीठा किया, उसका कारण बताएंगे क्यों मुंह मीठा किया गया उसके लिए? क्योंकि आने वाले एपिसोड में ये दिखा रहे हैं कि जैज़ का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो हम बस फिंगर्स क्रॉस करके ये प्रे कर रहे हैं कि जैज़ का एडमिशन हो जाए। तो अमाया जैज़ का एडमिशन करने गई है, तो मैंने वो जस्ट अभी रामाश्रय को बताया है। अच्छा, आगे क्या ट्विस्ट आएगा उसके बारे में बताएंगे कुछ? आगे के ट्विस्ट के बारे में पेपर लेके जाएंगे, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये सिलसिला तो जारी रहेगा। पर आगे आई थिंक बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा, बहुत बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं आगे। ओहो, मन तो ऐसा कर रहा है बता दूं लेकिन नहीं बता सकती मैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन हाँ, इट विल रुद्र जो है बहुत सताने वाले आगे जाके। अच्छा, रामाश्रय भी जॉब देख रहे कहीं भी, उनके लिए भी कुछ मदद कर रही हैं आप? नहीं, इनफैक्ट वो मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि मैं बनारस में नहीं हूँ। उनको क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मुझे प्राइवेट जॉब चाहिए, तो वो अपना देख रहे हैं, बट ही इज़ हेल्पिंग मी आउट गेटिंग माई जॉब। अच्छा, मैं जिस तरह से सब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, प्राइवेट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट जॉब आपको मिले? क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा था, अगर आपने इनिशियल एपिसोड देखे होंगे तो मैं अपने डैड को कहती हूँ, हमारे सुपरमैन को, कि मुझे फर्नीचर डिज़ाइनिंग का स्टोर खोलना है खुद का। तो मुझे अपना खुद का एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना था, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया इसी वजह से। और ऐसा सच कुछ है नहीं क्योंकि मैं बस नहीं हूँ, बस ऐसे ही करना है, प्राइवेट जॉब, पैसे चाहिए जल्द से जल्द, दैट्स व्हाई। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप प्लीज़ तेरे शहर में देखते रहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छे नए ट्विस्ट और नए खुलासे होने वाले हैं, एंड मेजर वाले। इसके साथ साथ हमारी जो ग्रूमिंग हो रही है तो वो भी आपको देखने मिलेगी, सो प्लीज़ देखते रहिए तेरे शो। अच्छा, अपने किरदार को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं जैसे मैं देख रही हूँ वैसे मैं बिल्कुल हूँ नहीं, वैसे मैं बहुत लाउड हूँ कैरेक्टर में, बट मैं बहुत सीख रही हूँ। रचिता माथुर जो मेरा किरदार है उससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो बहुत मज़ा आता है ये करने, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं असल ज़िंदगी में, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है। सो लेट्स सी, आई होप दर्शकों को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। मैम क्या सीन चल रहा है? आर्यन घर में आ चुका है लेकिन हम लोग सिद्धांत नहीं मान रहा, क्या चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, क्या सीक्वेंस चल रहा है? सीक्वेंस ये चल रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है माताजी, सिमर, अमर, कैलेंडर, इन लोगों के बीच में, और मैं और उमा भाभी ये जानने के पीछे लगे हुए हैं कि आखिर क्या ऐसी बात है जो सब लोग परिवार वालों से छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हमें बता नहीं रहे कि क्या बात चल रही है, जबकि मैंने खुद रोली को देखा है। तो हम लोग एक्चुअली डिटेक्टिव बन गए और ये पता करने में लगे हुए कि रोली को इन लोगों ने छुपाया है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कहाँ छुपाया है और क्यों छुपाया है, उसके पीछे जो रीज़न है वो पता करने में हम दोनों लगे हुए हैं, मैं और उमा भाभी। तो उसी की बस ये सब खिचड़ी पक रही है अभी फ़िलहाल शो में। अच्छा, आर्यन लोग सिद्धांत नहीं मान रहा, तो क्या कब तक ऐसा कब तक चलता रहेगा, आर्यन कब तक सिद्धांत बना रहेगा? आर्यन एक्चुअली सिद्धांत इसलिए बना है क्योंकि जो हमारी सास है सुजाता जी, वो बीमार है और वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो इसीलिए एक सोशल सर्विस बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए, उसके लिए आर्यन को सिद्धांत बनना पड़ा, क्योंकि उसमें भी कुछ ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है और वो मतलब एक परिवार का ना होते हुए भी परिवार की मदद करने में हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए वो सिद्धांत बना है ताकि सुजाता जी यानी हमारी सास की तबीयत ठीक हो जाए और उसके बाद में उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा, इस तरह से मतलब अभी तक है। जिस तरह से घर वाले पूरे बंगले में फंसे हुए थे, उसके बाद माया ने घर वाले ने काफ़ी सपोर्ट करके बाहर निकले पैसे भी करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस किसी मुसीबत में फंसे जा रहे घर वाले अभी? एक्चुअली
ऐसा कुछ मैं आपको पूरी पूरी डिटेल्स बता नहीं सकती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि माया जो है वो अभी पॉजिटिव हो गई है और वो हमारे परिवार की शुभचिंतक हो चुकी है। लेकिन मेरा जो पूरा शक है वो है सिमर रोली पे कि उन दोनों बहनों के बीच ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। अब उमा भाभी के साथ मैंने डिस्कस किया इस बारे में और मुझे ये शक है कि ये सारा मामला प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि लोग क्या है कि सिमर रोली तो ठहरी छोटे गांव की है ना, पैसा तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, पहली बार भारद्वाज हाउस जैसा इतना बड़ा महल जैसा घर देखा है, उसके बाद में पैसा देखा है, तो हो सकता है किसी की भी नीयत फिर सकती है क्यों। तो मुझे और उमा भाभी को शक है कि सिमर और रोली का हाथ है इसमें और ये मामला प्रॉपर्टी को लेकर है। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले 4 साल कंप्लीट किए और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। इसी तरह से हमें प्यार दिया कीजिए और हमारा सीरियल बस देखते ही रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्रामा है, इतना ड्रामा है ना कि आपकी ज़िंदगी में ड्रामा हो जाएगा देखते देखते, आप बहुत एंटरटेन रहेंगे। हमारा सीरियल देखते रहिए बस, ससुराल सिमर का कलर।